वात रोगों में क्या खाना चाहिए, वायु से होने वाली बीमारियों में क्या सेवन करें कि वो बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएं, या यूं कहें कि वो बीमारियां हों ही ना। और वात रोग जिनको नहीं पता क्या होते हैं, मैं बता दूं, जो रोग वायु से होगा या वायु जिसमें थोड़ी बहुत बड़ी हुई होगी शरीर में जिसके, उसके लिए हम आज डाइट बताएंगे। और इसका एक इशारा ने एक इसकी जो लक्षण है वो मैं बता दूं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी तरह से बहुत पतला हो जा रहा है या बीमारी ऐसी है कि उसमें पतला हो जा रहा है, वेट घटी जा रहा है, तो समझ लो कहीं ना कहीं उसके शरीर में वात और वायु तो है ही। बाकी कईयों को गैस फील होती है, कईयों को गैस नहीं फील होती, तो ये है वात रोग। और इसमें गठिया, जोड़ों का दर्द और पेट के रोग सब आ जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो वात रोग में ही आती हैं। चलिए अब जान लेते हैं इसमें क्या खाना चाहिए। अगर मैं चीज़ें गिनवाऊंगा तो शायद आप हर वक्त मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि आप ये बताओ ये खाऊं कि ना खाऊं, ये खाऊं या ना खाऊं। अगर मैं आज आपको सिखा दूं कि भाई हम कैसे पता करें कि ये चीज़ वात रोग में काम आती है या नहीं खाने के लिए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? बढ़िया करेंगे ना। तो बस इसी ढंग से मैं आज आपको सिखाऊंगा कि वात रोगों में किस तरह की चीज़ खानी है। तो सबसे पहले जो चीज़ गर्म तासीर की होगी, जिसकी तासीर थोड़ी सी भी चाहे नेचर में गर्म हो, तो वो वात रोगों के लिए अच्छी होती है। और दूसरी क्वालिटी जो चीज़ स्निग्ध हो, ऑयली हो, खुश्क ना हो, ड्राई नेचर की ना हो, बल्कि उससे उल्टी हो, तर हो, वो चीज़ जो होती है ये वात रोगों में अच्छी होती है। अब उदाहरण पेश करते हैं, थोड़ा धीरे धीरे दिमाग को थोड़ा ताज़ा करें या उसके लिए थोड़ा उसको पर सिखाएं दिमाग को। जैसे गर्म चीज़ें कौन सी होती हैं? मेथी की सब्ज़ी, मेथी के बीज और बथुआ, चौलाई और चंगेरी और मूली के पत्तों का साग, और इसके अलावा लहसुन और थोड़ी मसाले जैसे कि जीरा और मोटी इलायची, अदरक सौंठ, ये सब जो हैं ये गरम हैं। तो ये आपको जब लेने से या डाइट में ऐड करने से ये वात को कम करने लग जाते हैं। डाइट नॉर्मल हो, जैसे बैलेंस सब्जियां, फल, सूप, रोटी आदि, दलिया आदि जो भी लेना है, लेकिन उसके ऊपर ये चीज़ें अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो ये वात को कम करने लग जाती हैं। और अब बात कर लेते हैं स्निग्ध चीज़ें कौन सी होती हैं, ऑयली चीज़ें, जैसे कि सब तरह के तेल, चाहे वो तिल का तेल है, अलसी का तेल है, चाहे वो जैतून का तेल है, सरसों का तेल है, ये सब थोड़े बहुत तेल सारे ही, कोई ज़्यादा कोई कम, लेकिन गर्म तासीर के होते हैं और साथ में तर भी होते हैं, ऑयली भी होते हैं। तो इसके अलावा घी, मक्खन, छाछ, दही, ये सब स्निग्ध हैं, ऑयली नेचर के हैं। इनका भी थोड़ा थोड़ा सेवन, कम ज़्यादा अपने ज़रूरत के हिसाब से कर लेने से वात रोग बैलेंस रहता है। फिर इसके अलावा स्निग्ध चीज़ों में आ जाती है मालिश करना, नस्य लेना, मल द्वार में तेल लगाना, नाभि में तेल लगाना, मुंह में तेल थोड़ा सा भर के सुबह कुल्ला करने से पहले उसको बाहर बाद में कुल्ला कर लेना, फेंक देना। ये सारे टिप्स जो हैं मिल करके, कुछ डाइट के बता दिए, कुछ बाहर अप्लाई करना स्निग्धता को, ये वात को कम करता है। बस इतना ध्यान रहे कड़वी चीज़ें, खुश्क तासीर की चीज़ें जो होती हैं वो वायु को बढ़ाती हैं, ये सब बैलेंस करती हैं। बेसिक डाइट नीचे नॉर्मल रहेगी, उसके ऊपर ये चीज़ें अप्लाई हो जाएंगी। हालांकि दालें सारी गैस करती हैं, वायु बढ़ाती हैं, लेकिन एक दाल है कुल्थी की दाल, वो वायु को कम करती है। तो इस तरह से आप अगर ढूंढने जाएंगे कोई भी चीज़ अगर गर्म तासीर की है या साथ में उसके स्निग्धता है, तो वो वात को कम करेगी। ये है आज का लेसन, जिसमें मैंने आपको बताया कि वात दोष को, वात के रोगों को किस तरह की चीज़ें ठीक करती हैं। और अगर एक बार आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आप थोड़ी वायु वाली भी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन साथ में ये चीज़ों को ऐड कर लें ताकि वो वायु ना बनाए। जैसे मटर वायु में मना होते हैं, लेकिन वात बैलेंस हो गया, वायु बैलेंस हो गया, अब थोड़ा कभी कभार खाना है खाओ, लेकिन उसमें थोड़ा अदरक डाल लो, थोड़ा वो उसमें इस तरह से मसाले रख लो तीखे, थोड़ा एक मोटी इलायची, तेज पत्र, कड़ी पत्ता, तो ये चीज़ें जल्दी हजम हो जाती हैं, ये सब वायु को बैलेंस रखती हैं। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कार।